An Academy. Let's crack it. इंडियन एविडेंस है। पहला क्वेश्चन यहीं पे आएगा, हमेशा याद रखिए, लेक्स फोरी, लेक्स फोरी लॉ ऑफ द फॉरम है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोसीजरल सब्सटेंटिव, दिस इज अ प्रोसीजरल लॉ, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसीजरल लॉ है ये आपका, ठीक है। दिस इज द सेकंड कीवर्ड, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट आपको बताता है क्या, बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट आपको बताता है हाउ ए फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड, हाउ अ फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड, इज टू बी प्रूव्ड। राइटिंग गंदी है लेकिन चीज़ें समझ में आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, ठीक है। पहला, नेचर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कैसे, लेक्स फोरी है, ये क्वेश्चन प्री में आएगा। दूसरा, दिस इज ए प्रोसीजर लॉ ओनली प्री पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्या बताता है ये आपको, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, किस चीज़ के लिए आया है, हाउ ए फैक्ट इज टू बी प्रूव, एक फैक्ट को कैसे प्रूव किया जाए, वो सारा का सारा प्रोसीजर ये बताता है। दिस इज नॉट ए सब्सटेंटिव लॉ, दिस इज ओनली ए प्रोसीजरल लॉ, ओके, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये भी प्री का क्वेश्चन है। डेट ऑफ कमेंसमेंट DOC जिसको हम बोलते हैं, कब आया था, 1 सितंबर को आया था ये आपका, 1 सितंबर 1872 को आया था, ये प्री का क्वेश्चन है दोबारा। दूसरा एक यहाँ से क्वेश्चन आता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है 1 सितंबर 1872 है, और जो दूसरा क्वेश्चन आता है एप्लीकेबिलिटी के ऊपर आता है। एक्सटेंट तो आपको पता है कि पहले ऑल ओवर इंडिया के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है, अगर आप देखेंगे ये बेसिकली देखिए, जो एप्लीकेबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट आपके कुछ चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आपके पास बेर एक्ट है तो बेर एक्ट में देख लीजिए, अदरवाइज वैसे देखना है तो वैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जब भी आप इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट आपका एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रोसीडिंग्स हैं, जैसे कि आर्बिट्रेटर की जो प्रोसीडिंग होती है, आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उनके ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका प्री के लिए, कहाँ अप्लाई, नॉट अप्लाई, नॉट अप्लाई, बाकी तो सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे होता है, ये आपके एफिडेविट्स पे नहीं होता, ठीक है। एफिडेविट्स पे ना होना इसका रीज़न ये है कि अनटिल अनलेस अगर कोई लॉ एक्सप्रेसली कह रहा है कि एफिडेविट के थ्रू दीजिए तब हो जाएगा, अदरवाइज जनरली प्री के लिए नहीं होता है, आर्बिट्रेशन पे नहीं होता है, ठीक है, आर्बिट्रेशन पे नहीं होता है। और आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्ट मार्शल पे, अदर देन कोर्ट मार्शल, उन सब पे होता है जो आर्मी वगैरह के अंदर होती है, बाकी किसी पे भी नहीं होता, ठीक है, बाकी किसी पे भी नहीं होता है। और सीधी सी बात है, जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब जहाँ पे एविडेंसेस लिए जाते हैं, उन सब पे आपका अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग इंटरप्रिटेशन क्लॉज की, जब आप बात करते हैं पहला जो आता है वो कोर्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। कोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है ये याद रखना है आपको, ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपको, देखिए कोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जजेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है, मैजिस्ट्रेट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में ऑल पर्सन जिनको ऑथराइज किया गया एविडेंस लेने के लिए, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखोगे तो दूसरी अपने आप ही आपकी जो डिस्कार्ड हो जाएगी, कि कहते हैं कि भाई और किसी पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी किसी पे अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं होने वाला, बाकी सब पे होने वाला है, ठीक है। फैक्ट की अगर मैं बात करूँ, फैक्ट क्या है, इसी को तो प्रूव रहे हैं, हाउ ए फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड, यही तो इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है। फैक्ट क्या है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई याद करने का चक्कर ही नहीं है, फैक्ट क्या है, दुनिया की हर चीज़ फैक्ट है, लेकिन दो चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, एक एक्सटर्नल फैक्ट होता है, एक इंटरनल फैक्ट होता है, एक फिजिकल होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है। फिजिकल, मैंने आपके थप्पड़ मारा, ठीक है, दिस इज ए फिजिकल फैक्ट, ठीक है, आपको दर्द महसूस हुआ, दिस इज ए साइकोलॉजिकल फैक्ट, थप्पड़ लगा दर्द हुआ, साइकोलॉजिकल फैक्ट, थप्पड़ मारा फिजिकल फैक्ट, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्ट मतलब थप्पड़ का मारना, एक्सटर्नल फैक्ट स्टेट ऑफ थिंक करना, एनीथिंग करना, ठीक है, कुछ भी करना। मेंटल फैक्ट क्या होगा, आपको पेन हो रहा है, दिस इज ए फिजिकल साइकोलॉजिकल फैक्ट, अंधेरे में डर लग रहा है, दिस इज ए साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है, ठंडे पानी में हाथ डाले तो ठंड लग रही है, दिस इज ए साइकोलॉजिकल फैक्ट, आपका सबकॉन्शियस माइंड बता रहा है ना आपको, ठंड ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं सारे के सारे। ये जनरली इन्होंने बताया फैक्ट होता है क्या, क्योंकि फैक्ट को ही तो प्रूव करना है, हाउ ए फैक्ट इज टू बी रेलेवेंट, ये तो प्रूव करना है। आगे अगर हम बात करेंगे फैक्ट के बाद में, अगर नॉर्मली हम बात करेंगे रेलेवेंट क्या होता है, देखिए रेलेवेंट इन्होंने ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया रेलेवेंट क्या होगा, इन्होंने सिर्फ ये कहा है जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है किसी भी प्रकार से, किस प्रकार से, जो आप सेक्शन 5 से लेके 55 तक पढ़ेंगे, तब हम उसको बोल सकते हैं कि दिस फैक्ट इज ए रेलेवेंट फैक्ट। और जब कोई एक फैक्ट रेलेवेंट हो जाता है तो उसके आप एविडेंसेस दे सकते हैं, बिकॉज आपको सेक्शन 5 फिर अलाउ कर देता है, सेक्शन 5
सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के एविडेंस देने के लिए ही अलाउ करता है, अदर फैक्ट के आप एविडेंस नहीं दे सकते हो।